मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अल्प प्रवास पर बांसवाड़ा पहुंची हैं, जहां पर शहर के कॉलेज मैदान में चल रहे बाबा रामदेव के योग शिविर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी करी है। इस दौरान आयोजकों ने बाबा रामदेव और सीएम राजे का सम्मान किया। इसके बाद राजे ने मंच से ही गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय के भवन के साथ साथ तीन भवन और एक अपार्टमेंट का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके बाद सीएम त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां पर मां के दरबार में धोक लगाकर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद सीएम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांसवाड़ा से हमारे एवन संवाददाता राजेश हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, सीएम राजे वहां पर बाबा रामदेव के शिविर में पहुंची थी। जी पूजा, बिल्कुल जी। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, बाबा रामदेव के यहाँ योग शिविर का तीसरा दिन का आज आयोजन था और समापन था। और इस कार्यक्रम में, योग शिविर में, सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया भी शिरकत की और बाबा का शानदार स्वागत भी किया। और बाबा रामदेव ने राजे को साड़ी ओढ़ाई भी सही। उसके बाद में दोनों ने एक दूसरे का स्वागत के बाद में यहाँ पर गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय जो था उसका शिलान्यास किया। उसके बाद में दो भवनों का भी शिलान्यास किया। वही मंच पर ही सभी कार्यक्रम आयोजित हुए। उसके बाद में राजे ने जनसभा को, वहां पर जो योग में आए हुए थे उन सभी को संबोधित भी किया और राज्य सरकार की सभी योजनाएं बताई। उसके बाद में राजे, खास बात तो ये रही कि यहाँ पर बांसवाड़ा के माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में धोख लगाने सीधे वहां पहुंच गए। ध्यान योगी उत्तम स्वामी महंत जो है, उत्तम स्वामी जी, उनको साथ में लेकर के त्रिपुरा सुंदरी पहुंचे और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष को बनाने के लिए मन्नत अर्जी लगाई है और जो अपने खास चहेते हैं उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कवायद को लेकर खास त्रिपुरा सुंदरी पहुंचना बताया जा रहा है। और अभी जो इस मामले को लेकर काफी राजस्थान में चर्चाएं भी चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष कौन बने भाजपा का, तो यहाँ पर एक बात मानने में आता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में कई राजनेता लोग जब कोई मुश्किल का समय आता है तो दौड़े चले आते हैं। जैसे कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उसी तरह यहाँ पर सीएम भी जो है वो इस मुश्किल की घड़ी में आए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे चहेतों को या अपने को खास पसंदीदा आदमी को बनाया जाए, तो उस चक्कर में यहाँ पर अनुमन्नत लगाई है, अर्जी लगाई है और दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जी पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। हमारे वन संवाददाता राजेश सोनी हमसे जुड़े, जिन्होंने बताया कि हर मुश्किल की घड़ी में यहाँ पर माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में कितना भी बड़ा नेता हो, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी धोख लगा चुके हैं, तो अपनी अर्जी लेके इस बार सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची माँ त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में, उन्होंने धोख लगाई और कहीं ना कहीं मन में ये आस्था है कि मनपसंद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें सीएम वसुंधरा राजे इस समय बांसवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं और आपको दिल्ली में मुख्यमंत्री की यहां पर अमित शाह से मुलाकात चल रही है और कहीं ना कहीं ये कवायद चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाए। दिल्ली में सीएम वसुंधरा राजे अमित शाह से मुलाकात करके ये सुनिश्चित करेंगी कि अब देश के सबसे बड़े प्रदेश का और देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय जो निकल करके आ रही है सामने, भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा।